हाई एवरी वन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइज, रिजल्ट इज फाइनली आउट, लेकिन अभी तक जे आर एफ कितना क्वालिफाई हुआ है, कट ऑफ क्या रही है, नेट क्वालिफाई हुआ है नहीं, ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। बट आपका स्कोर कार्ड जो है वो रिलीज हुआ है, तो साइट पर आप जाएंगे csirnet.nta.nic.in, उस पर आपका ये नया यहाँ पे व्यू स्कोर कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं अपना स्कोर कार्ड देखने के लिए। आपको बेसिकली या तो आप लॉग इन कर लो यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, और बाय यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो किसी भी एक पे क्लिक करना है आपको, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ, जो सिक्योरिटी पिन जो नीचे वाला है इसको ऐड करना है, और साइन अप करना है, ठीक है, साइन इन करना है। उसके बाद जो आपका स्कोर कार्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। और ना उसके साथ एक इन्फॉर्मेशन और भी यहाँ पर है जो कि पहले पता नहीं चलती थी, वो ये कि इस बार जिन्होंने केमिकल साइंसेज में अपीयर किया ना, जिन्होंने रजिस्टर किया था, वो थे 65,356 कैंडिडेट्स, और जो पेपर देने गए थे वो थे 53,390। अगर मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ, मुझे लगता था कि 25,000 से 30,000 के अराउंड बच्चे होंगे जो नेट का पेपर देते हैं, मतलब इतने एस्पिरेंट होंगे, बट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है। 65,000 तो फॉर्म फिल किया है और 53 ने अपीयर किया है। तो अभी के लिए सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आपको आपके पार्ट ए के, पार्ट बी, पार्ट सी के मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे स्कोर कार्ड में, और टोटल मार्क्स आपके कितने हैं वो भी मिल जाएगा, और साथ में मिलेगा एनटीए का स्कोर जिन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है, उसका फॉर्मूला भी नीचे अवेलेबल है। तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा फाइनल कट ऑफ का, जिसमें जेआरएफ की कट ऑफ कितनी है, नेट की कट ऑफ कितनी है, वो सब हमें पता चलेगा। तो हो सकता है आज शाम, आज रात तक या फिर कल तक हमें कट ऑफ मिल जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आता है आपको बताऊंगी वीडियो के थ्रू ही। अभी के लिए अपना स्कोर कार्ड आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।